आईपीएल के 15वें सीजन में जॉस बटलर ने शुक्रवार को राजस्थान की ओर से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल के खिलाफ इस सीजन का तीसरा शतक जड़ा। ऐसा करने वाले वह पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। बटलर ने देवदत्त पडिक्कल के साथ राजस्थान के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी भी की। बटलर ने दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 57 गेंदों पर ही शतक बना गए। वे 65 गेंदों पर 116 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके और 9 छक्के भी लगाए। बटलर का आईपीएल में इस सीजन का तीसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने इस सीजन में ही कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ 103 रन और मुंबई इंडियन के खिलाफ 100 रन की पारी खेली थी। बटलर इस सीजन में सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में विराट कोहली से एक शतक पीछे हैं। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड कोहली के नाम है। कोहली ने 2016 में कुल 4 शतक लगाए थे। अगर बटलर एक और शतक लगा देते हैं तो वह विराट की रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। विराट और बटलर के बाद क्रिस गेल, हासिम अमला, शेन वाटसन और शिखर धवन ने 2-2 शतक लगाए हैं। बटलर ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर राजस्थान के लिए पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की। 13 साल पहले 2009 में ग्रीम स्मिथ और नमन ओझा ने किंग इलेवन पंजाब के खिलाफ पहले विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी की थी। बटलर और देवदत्त ने 155 रनों की साझेदारी कर उन्हें पीछे छोड़ दिया है।